जम्मू संभाग के अखनूर में आतंकियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। ताजा जानकारी के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में सेना ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रखा है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब आतंकवादियों ने सुबह सेना की एम्बुलेंस पर गोलीबारी की। इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। वहीं तीनों आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है। अवामी इतिहाद पार्टी के अध्यक्ष व सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद ने कहा, हम जनता के लिए अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हमें न्याय मिलेगा, चाहे हम जेल में हों या अपने घर में। हम हमेशा लोगों की भलाई, कश्मीर की भलाई और शांति की बात करेंगे, लेकिन सम्मान और गरिमा के साथ। हम समर्पण नहीं करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कहता हूँ कि सत्य हमारे साथ है, हम गलत नहीं है। हम चाहते हैं कि कश्मीर में शांति और विकास हो, लेकिन हम अपने अधिकार भी वापस चाहते हैं। आज इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल में वापस पहुंचना है, इसके लिए वो दिल्ली पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP की करारी हार के बाद गुलाम नबी आजाद ने चुप्पी साध ली है। पार्टी को विधानसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिली। उसने अधिकतर उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए हैं। हालात यह है कि पार्टी ने हार के कारणों पर ना कोई मंथन किया और ना ही कोई बयान आया। ऐसे में कई नेताओं व कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है और ये सब नई राह तलाश रहे हैं। कई कांग्रेस में घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ अन्य पार्टियों में जा सकते हैं। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को अलग अलग दो गैंगस्टरों ने धमकी दी है। सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने धमकाया है। कहा कि TRP कमाने के चक्कर में ना पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। बता दें कि इसी गैंग ने मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी थी। कहा था कि अगर कानून अनुमति दे तो मैं 24 घंटों में इस 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस घटना के करीब 13 दिन बाद अब सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 28 से 30 अक्टूबर के बीच बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव के चलते सर्दी बढ़ सकती है, जिससे लंबे समय से चल रहे शुष्क मौसम से राहत मिलेगी। कश्मीर घाटी के सभी जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। जम्मू संभाग में भी तापमान में गिरावट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में टाटा के विमान विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भी उनके साथ थे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा को याद किया और कहा कि देश ने एक महान सपूत खो दिया। अगर आज वो हमारे बीच होते तो उन्हें खुशी होती। ये C-295 विमान फैक्ट्री नए भारत की नए कार्य संस्कृति को दर्शाती है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सेना की 22 RR और CRPF की 92 बटालियन के साथ मिलकर आतंकियों की सहयोगी को पकड़ा और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक पिस्टल के साथ और हथियार गोला बारूद के साथ अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ जारी है।